हेलो स्टूडेंट्स, एज प्रोमिस्ड आई हैव स्टार्टेड द न्यू वीडियो अबाउट द रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स के बारे में हम लोग नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रेडियो वेव क्या होते हैं इसके बारे में आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो जान लेंगे। ये रेडियो वेव्स रेडियो से भी निकलते हैं और इन्हीं रेडियो वेव का यूज आजकल हम लोग मोबाइल में भी करते हैं। ठीक है, जैसे 2G 3G 4G, अब जो आएगा 5G। एयरटेल क्या कर रहा है, एयरटेल ने क्या कह दिया कि हमने 5G लॉन्च कर दिया है, अब जियो भी लाएगा। ठीक है, तो जियो भी 5G लाएगा 2021 के बीच में, तो अब क्या होगी, क्रांति आएगी। अब 5G जो हैंडसेट आएंगे वो मार्केट में धड़ल्ले से बिकेंगे। ठीक है, 4G 5G आएंगे, अब या आएंगे नहीं आएंगे उसके बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो आप मोबाइल यूज करते हैं, चाहे 2G यूज करते होंगे, 3G यूज करते हैं या 4G यूज करते हैं, उसमें उसके जो वेव्स आते हैं ना, जो टावर से जो वेव आते हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, जो रेडिएशन से प्रोड्यूस हो रहा है, रेडिएशन से प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम रेडियो वेव्स बोलते हैं। और एयरटेल का टावर हर जगह रहता है, जियो का भी हर जगह टावर है। ठीक है, और जियो ने ही क्या किया है, 4G क्रांति लाया है। सच्चे अर्थों में ये कहें तो जियो ने ही क्या किया है, 4G क्रांति लाया है इंडिया में, जिसके वजह से आज हम लोग डिजिटली पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, थैंक्स टू यूट्यूब। यूट्यूब को हम लोग थैंक्स बोलना चाहेंगे, क्योंकि यूट्यूब ने हमें मौका दिया है कि अच्छे से पढ़ा सकें, इत्मीनान से स्टूडेंट को पढ़ा सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। और 4G मोबाइल अभी सबके पास है और सब जो है सो नेट का रिचार्ज करके ही रखते हैं नॉर्मली, और समझ लो कि एक तरह से नेट फ्री ही है, अनलिमिटेड है, फ्री है। तो इसका लोग यूज करेंगे, सदुपयोग करेंगे तो क्या होगा, आगे बढ़ेंगे, दुरुपयोग करेंगे तो गेम वेम खेल करके व्हाट्सएप फेसबुक और दूसरे चीज़ों के पीछे भाग करके अपने लाइफ को चौपट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि व्हाट्सएप यूज़ करना गलत है, उन्हीं लोगों के लिए जरूरी है जिनको जरूरत है फ्रेंडशिप के लिए या दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, लेकिन जो अपनी लाइफ के लिए कॉन्शियस है ना, जो काफ़ी सीरियस है, उनको कम से कम यूज़ करने का, व्हाट्सएप फेसबुक जो कुछ भी है उनको कम यूज़ करने का, ज़्यादा यूज़ नहीं करने का। ठीक है, ज़्यादा यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, सांसारिक बनने का नहीं। लोग नेतागिरी में ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसने क्या किया, इसने क्या किया, इसका स्टेटस देखो, है ना, इसी चक्कर में लोगों का टाइम बर्बाद हो रहा है। बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं, कम ही लोग पढ़ते हैं संसार में, सब नहीं पढ़ते। ठीक है, और जो पढ़ते हैं वो बहुत अच्छा बन जाते हैं। तो चलिए पढ़िए, समझिए आगे क्या है, 5G क्रांति आएगा तो भी, 6G क्रांति आएगा तो भी, देखना तो हमें है ही, और अच्छा माहौल हो जाएगा, और अच्छे माहौल हो जाएंगे तो क्या होगा, हमें पढ़ने में आसानी रहेगी। अब गरीब से गरीब स्टूडेंट और मीडियम के मीडियम क्लास के स्टूडेंट या अमीर से अमीर लोग अब हर एक तरह की वीडियो को एक्सेस कर पा रहे हैं, और आप हमारे वीडियो कहीं भी देख सकते हो। मैं फिजिकली आपके पास मौजूद नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा वीडियो हमेशा आपके पास मौजूद रहेगा। जब भी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, आप वीडियो कहीं भी देख सकते हो, चाहे ट्रेन हो, बस हो, पेड़ हो, पौधा हो, कहीं भी, किसी भी रूम में, ड्राइंग रूम में, कहीं भी आप मुझे डिजिटली पा सकते हो। ठीक है, फिजिकली मैं एक ही जगह पर रह सकता हूँ, लेकिन डिजिटल में बहुत सारे जगहों पर रह सकता हूँ। ये कमाल है डिजिटल क्रांति, इसे बोलते हैं डिजिटल क्रांति, है ना। और जियो ने ही इसे लाया है, मैं जियो को धन्यवाद करना चाहूँगा, और यूट्यूब को विशेष तरह से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने का। इसके बाद मैं आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, तो पहले मैं वीडियो कंप्लीट करूंगा फिजिक्स का, देन आफ्टर आई विल कंप्लीट द वीडियोस रिलेटेड टू केमिस्ट्री आल्सो एंड मैथ्स आल्सो। ठीक है, तो अगेन मैं आपको थैंक यू करता हूं, स्टूडेंट्स को भी थैंक यू करूंगा, और यूट्यूब को भी थैंक यू बोलूंगा, और जियो को मैं थैंक यू बोलता हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक हमारा रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स कैसा टॉपिक है वो हम समझते हैं। रेडियो वेव्स एक ऐसा वेव है जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। बात को समझिए, जो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जितने सारे वेराइटीज हमने बताए थे आपको, रेडियो वेव पहला क्या था, रेडियो वेव, फिर आया था माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल लाइट वेव्स, इसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज, फिर एक्स रेज, फिर गामा रेज, इतने सारे रेज जो मैंने बताया, सबसे पहले मैंने आपको रेडियो वेव बताया, क्योंकि सबसे पहले रेडियो वेव का खोज हुआ था। अब उस समय रेडियो वेव खोज करने से पहले इस लाइट को सब जानते थे, रेडियो वेव से भी सब पहले जानते थे लाइट को, कि भाई ग्रीन लाइट होता है, ब्लू लाइट होती है, ऑरेंज लाइट होती है, रेड लाइट होती है, सारे लाइट सबको पता था। ठीक है, ये बात तो सबको पता था ही। उसके बाद जो इन्वेंशन हुआ, डिस्कवरी हुई, फिर रेडियो वेव को खोजा गया संसार में, फिर रेडियो वेव खोजा गया, फिर माइक्रोवेव खोज करके इस्तेमाल किया गया, फिर इंफ्रारेड को यूज किया गया,
फिर अल्ट्रा वायलेट रेस को रोका गया, फिर उसको समझा गया, फिर एक्सरेस का भी इस्तेमाल किया गया, फिर गामा रेस को भी स्टडी किया गया। ठीक है, तो सबको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे। तो जो हमें इससे पहले वाले चैप्टर में, पहले वाले वीडियो में हमने क्या बताया था कि सीरियल वाइज बताया, सबसे पहले मैंने रेडियो में बताया था रेडियो की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे कम वेवलेंथ, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो एनर्जी सबसे कम किसकी, किसकी सबसे कम, तो रेडियो वेव में, रेडियो वेव की सबसे एनर्जी कम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द सीक्वेंस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी आ गया, तो वेवलेंथ भी आ गया, एनर्जी भी आप कह सकते हो, है ना, दोनों चीजें कह सकते हो। लेकिन फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सजाते हैं, लिस्ट करते हैं, टेबुलर फॉर्म में लाते हैं, तो उस स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बता चुके थे। अब हम लोग चलते हैं रेडियो वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया था, रेडियो वेव की एनर्जी सबसे कम, उससे ज्यादा एनर्जी किसकी, माइक्रोवेव की, उससे ज्यादा एनर्जी किसकी, इंफ्रारेड की, उससे ज्यादा एनर्जी विजुअल लाइट की, उससे ज्यादा अल्ट्रावायलेट की, उससे ज्यादा एनर्जी एक्सरे की या एक्सरे वेव्स की, और उसके बाद गामा रेज की, सबसे ज्यादा एनर्जी। तो एनर्जी जैसे जैसे बढ़ता है ना, वैसे वैसे वेवलेंथ भी घटता है। कैसे, तो एनर्जी का एक फॉर्मूला आता है, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है वो आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए एच सी बाई लेमडा। यहाँ पे एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, यहाँ सी स्पीड ऑफ लाइट है, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ, वेवलेंथ ऑफ दैट वेव, उस वेव का वेवलेंथ। ठीक है, ये एनर्जी है एक फोटोन की। तो उसी से अंदाजा आप लगा सकते हो कि कौन से वेव की कितनी एनर्जी होगी। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव की है, और एस सी एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी अगर मान लेते हो, क्योंकि प्लैंक्स कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ लाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी आ जाएगी। तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वेवलेंथ जितना ज्यादा एनर्जी उतनी कम। ठीक है, चलिए लॉन्ग रेडियो वेव्स, इस तर्ज में हम पढ़ेंगे लॉन्ग रेडियो वेव का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज्यादा, सबसे कम एनर्जी, इससे कम वेवलेंथ इसका, इससे कम वेवलेंथ इसका, इससे कम वेवलेंथ इसका, तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो एनर्जी सबसे कम किसका, उसका, लॉन्ग रेडियो वेव्स का। उससे ज्यादा एनर्जी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर रेडियो वेव्स का। उससे कम एनर्जी रेडियो एंड एफएम रेडियो रेडियो वेव्स का होगा, एंड शॉर्ट वेव रेडियो वेव्स का। टीवी का आपको हम जानते ही हैं, टेलीविजन, एंड एफएम का मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव्स, है ना, ये सब चीजें हमें पढ़ना है। तो रेडियो वेव कैसे आया एग्जिस्टेंस में, उसे हमें जानना है। और इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, नहीं बताया होगा तो जान लो, मैं इसमें बता दे रहा हूं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग चार्ज के फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ऑसिलेटिंग चार्ज के फ्रीक्वेंसी के बराबर किसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज हमने नहीं बताया था, बता दे रहा हूं। चलिए रेडियो वेव को स्टार्ट करते हैं। रेडियो वेव को समझने से पहले, जानने से पहले, इंट्रोड्यूस होने से पहले हम क्या करते हैं, पहले उसका हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। क्या करते हैं, हिस्ट्री। ये हिस्ट्री क्या है, कैसे खोज में आया। तो सबसे पहले जेम्स क्लार्क मैक्सवेल साहब ने, जिनका जन्म 1831 में हुआ था और मर गए थे 1879 में, है ना, जब ये मरे थे उसके बाद कुछ घटनाएं घटी। तो जब तक वो जिंदा थे उन्होंने बहुत सारे इक्वेशंस बताया, बहुत सारे इक्वेशंस बताए, जो मैक्सवेल इक्वेशन मैं आपको बताऊंगा। तो मैक्सवेल इक्वेशन में उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट को कंबाइंड कर दिया, कंबाइंड फॉर्म में ले आया। इतने बड़े महान, मतलब साइंटिस्ट थे, इतने बड़े ग्रेट साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट को कंबाइंड कर दिया। इन्होंने ही डिस्प्लेसमेंट करंट को बताया था, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इन्होंने ही प्रेडिक्ट किया था, बताया था अपनी इक्वेशन से, थ्योरी उनकी ही द्वारा दी गई है, इनके द्वारा ही बताया गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों टाइम और स्पेस के साथ चेंज होते रहते हैं। इन्होंने जो थ्योरी बताया था वो बिल्कुल सही थ्योरी थी, कुछ भी गलत नहीं था उस थ्योरी में। वो थ्योरी क्या था उसको समझिए, वो थ्योरी ये थी कि उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच वेराइज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड पोजिशन। ठीक है, उन्होंने बताया था, और उन्होंने जो बताया उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर हर्ट्ज साहब ने, उन्होंने थ्योरी बताया सिर्फ,
इन्होंने सिर्फ थ्योरी बताया, मैक्सवेल साहब ने, इनके मैक्सवेल नाम से चलता है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल साहब ने जो बताया था वो थ्योरी थी। फिर एक्सपेरिमेंट किया हर्ट्ज साहब ने, जिसके नाम पे, जिनके नाम पे हम फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट लिख देते हैं HHZ, इस तरह से इन्हीं के नाम पे हर्ट्ज जो है ना फ्रीक्वेंसी का यूनिट रखा गया, ऐसा यूनिट भी कह सकते हैं आप, HZ हर्ट्ज। तो इन्होंने 1887 में इनके थ्योरी को सही साबित किया था, 1887 या 85 जो कुछ भी है, NCERT कभी 85 बताता है कभी 87 बताता है। इसी के दौरान इन्होंने क्या किया था, लैब में डेमोन्स्ट्रेट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, क्या किया था, लैब में डेमोन्स्ट्रेट किया था, दिखाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, और बता दिया दुनिया को कि उनके, इनके द्वारा, मैक्सवेल के द्वारा जो थ्योरी थी वो बिल्कुल ही सही थी, बिल्कुल सटीक थी, गलत नहीं था। समझ में आ रही बात, वो बिल्कुल सही था, गलत नहीं थे, और हर साहब ने 1887 में इस चीज को बता दिया था, और मुझे लग रहा है इनके मरने के बाद ये बताया गया था, ठीक है। उनके 7 साल बाद, 1887 के 7 साल या 8 साल बाद, जगदीश चंद्र बोस है ना, जो बंगाल के बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, है ना, और इन्होंने और ही बहुत सारा चीज बताया, बहुत सारी चीजें बताई लोगों को। उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लाइक दैट, जैसे हर्ट साहब ने लैब में बनाया था, लैब में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था, वैसे ही जगदीश चंद्र बोस साहब ने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लैब में बताया था, लैब में बता दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और डेमोन्स्ट्रेट किया था। तो उस वेवलेंथ, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेवलेंथ थी वो कितनी थी, 25 मिलीमीटर से लेकर 5 मिलीमीटर तक, ठीक है, इतना जो है उनका वेवलेंथ उन्होंने लैब में डेमोन्स्ट्रेट करके बता दिया था, ठीक है। उसके बाद जो कहानी आई, उसके बाद जो आई वो क्या आया, गूगली, यहां देखिए, अब जगदीश चंद्र बोस जो है, और भी बहुत सारा चीज उन्होंने बताया है जो मैं यहां डिस्कस नहीं करूंगा, यहां भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं हम लोग। उन्होंने और भी बहुत सारा चीज बताए थे, कलकत्ता में रहते थे, इंडिया में ही रहकर उन्होंने बहुत सारा खोज किया था, बहुत बड़े ग्रेट साइंटिस्ट थे। अब देखिए, इटली के साइंटिस्ट गूगलियोमो, क्या नाम है, गूगलियोमो है ना, गूगलियोमो मार्कोनी साहब ने क्या किया, दिखाया, अब उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। इन लोगों की कहानी क्या थी, इन्होंने तो लैब में इस चीज को बताया, इन्होंने तो लैब में बताया, लेकिन इन्होंने क्या किया, सेवरल किलोमीटर तक, अब इन्होंने क्या कर दिया, सेवरल किलोमीटर तक रेडियो वेव को प्रोपेगेट करके बता दिया, डिस्टेंस ट्रेवल करवा के बता दिया, ठीक है। तो अब जमाना आया, इन दोनों ने, जगदीश चंद्र बोस और मार्कोनी साहब ने वायरलेस टेलीग्राफी को प्रमोट किया, क्या कर दिया आगे, वायरलेस टेलीग्राफी, है ना, इन दोनों के योगदान से ही ये आया, वायरलेस टेलीग्राफी, ठीक है। वायरलेस टेलीग्राफी आता है, और येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी देखिए, येलो लाइट जो है ना, अब समझिए आगे, वायरलेस टेलीग्राफी का इन्होंने क्या किया, आविष्कार किया, इन्हीं के दिए हुए रास्ते पे जब चले, तब सबने वायरलेस टेलीग्राफी को बता दिया। आगे वायरलेस टेलीग्राफी का जमाना, वायरलेस कम्युनिकेशन अब होना शुरू हो गया था, जिस तरह से आजकल मोबाइल का जमाना आ गया है, मोबाइल पे आप रहते हो, कहीं भी रहते हो, बातचीत हो जाती है, वो रेडियो के कारण होती है, वो रेडियो के कारण होती है। और जैसे ही आप मोबाइल को ऑन करते हो, किसी को मोबाइल नंबर डायल करते हो, तुरंत उसके मोबाइल में रिंग करती है, तुरंत उसका मोबाइल रिंग करता है। क्यों करता है, क्योंकि आप जिस वेव को भेज रहे हो वो रेडियो वेव है, और वो रेडियो वेव स्पीड ऑफ लाइट से प्रोपेगेट करती है, एक टावर से दूसरे टावर तक पता नहीं क्या हो जाता है, तुरंत पहुंच जाता है, तुरंत कम्युनिकेशन हो जाता है, तो रेडियो वेव के कारण होती है। वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस टेलीग्राफी, उस जमाने की टेलीग्राफी आती थी, लेकिन अभी जो चल रहा है हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन चल रहा है, वो रेडियो वेव की वजह से चल रहा है। किसकी वजह से चल रही है भाई, तो रेडियो वेव की वजह से चल रही है, उस चीज को हम लोग समझिए, उस चीज को हमें क्या करना है, समझना है, जानना है, ठीक है, ओके। अब इतनी सारी चीज मैंने आपको बता दिया, फिर रेडियो का डिस्कवरी हुआ, फिर धीरे धीरे रेडियो के बाद टीवी आया, है ना, और फिर उसके बाद कुछ लोग अब रेडियो को नहीं ले जा करके मोबाइल का ही यूज करते थे। हम लोगों ने अपने टाइम में 2007-08 या उससे पहले भी, उसके कुछ दिन बाद भी क्या करते थे, हेडफोन मोबाइल लगा लेते थे। एक नोकिया का मोबाइल आता था 5200, ठीक है, और नोकिया का मोबाइल आता था 5233 मॉडल आता था, तो उसमें हम लोग क्या करते, हेडफोन लगा करके, और किसी जगह पर, जयपुर में भी रहते थे तो वहां भी रेडियो सुनते थे,
अपने दोस्तों के साथ रेडियो सुनते थे, तो मोबाइल से रेडियो सुनते थे, हेडफोन लगा दिया, मोबाइल में हेडफोन लगा दिया और मोबाइल में एक ऐप आता है रेडियो, उसी से जो है ना क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी चेंज करके क्या करते थे, रेडियो सुनते थे। अच्छा सुनने को आता था, बहुत अच्छे गाने और समाचार सुनने को आते थे, ठीक है। तो FM रेडियो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, FM रेडियो। तो रेडियो वेव्स के बहुत सारे रूप हैं, रेडियो वेव को बहुत सारे रूप हैं। अगर नॉर्मली आप सोचें तो सब रेडियो वेव ही है, लॉन्ग रेडियो वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव्स है ना, टीवी वाला जो वेव्स आता है, जो टीवी चलता है, जो हमारे टीवी घरों में चलती है, वो भी रेडियो वेव पे ही काम करती है, वो भी किस पे काम करती है, रेडियो वेव पे ही काम करती है। जो FM रेडियो है जिसमें ये क्या बोलते हैं उसको, हेडफोन लगाते हैं ना, हेडफोन लगा के यूज करते हैं, वो भी क्या होता है, FM रेडियो रेडियो से प्रोपेगेट करती है। कुछ मोबाइल्स ऐसे होते हैं जो हेडफोन लगाने की जरूरत ही नहीं, वैसे ही चल जाता है। फिर शॉर्ट वेव भी रेडियो वेव है, सारे के सारे रेडियो वेव्स का ही फॉर्म है, ठीक है। ये सब चीजें हमें पढ़नी है, इनका वेवलेंथ क्या है, इनकी फिर एनर्जी कितनी है। बस इतना समझो कि ये जो लॉन्ग रेडियो वेव है इसकी एनर्जी कम होगी, इससे ज्यादा इसकी एनर्जी, इससे ज्यादा इसकी एनर्जी, ऐसे ऐसे एनर्जी क्या हो रहा, बढ़ रहा, वेवलेंथ घट रही है, वेवलेंथ घट रहा है। जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं क्या हो रहा है, लैम्डा डिक्रीजेस, क्या कर रहा है भाई, लैम्डा डिक्रीज कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है, लैम्डा डिक्रीज कर रहा है, लेकिन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी होता था, जैसे जैसे हम नीचे जाते थे, जैसे जैसे हम लोग मूव करते जाते थे, वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती थी। जैसे रेडियो वेव से ज्यादा एनर्जी किसका, माइक्रोवेव का, उस ज्यादा एनर्जी इंफ्रारेड का, उस ज्यादा एनर्जी विजिबल लाइट की, उस ज्यादा एनर्जी अल्ट्रावायलेट का, उस ज्यादा एनर्जी एक्सरे की, सबसे ज्यादा एनर्जी गामा रेज की, ठीक है। तो जैसे हम जा रहे हैं वैसे वेवलेंथ भी घटता जाएगा, एनर्जी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो वेवलेंथ घट रहा है रेडियो की, सबसे ज्यादा वेवलेंथ, उससे कम वेवलेंथ किसका, उससे कम वेवलेंथ किसका, माइक्रोवेव का, उससे कम वेवलेंथ किसका, इंफ्रारेड का, उससे कम वेवलेंथ किसका, विजिबल लाइट का, उससे वेवलेंथ किसका, अल्ट्रावायलेट का, उससे वेवलेंथ किसका कम, एक्सरे का, उससे कम वेवलेंथ किसका, गामा रे का, ठीक है। इस तरह से आप लोग समझिए। फिर हम लोग आगे इसके बारे में कुछ फ्रीक्वेंसी जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके।